आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कभी जेट एयरवेज को महज एक रुपए की जरूरत थी। तब उस समय अगर वह एक रुपए की जुगाड़ कर पाती तो आज उसकी ऐसी हालत न होती। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, rebelandvoice.com पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रुपए के वजह से, या यूं कहें तो एक रुपए की लड़ाई में जेट एयरवेज नामक एयरलाइंस बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी कंपनी, प्राइवेट एयरलाइन कंपनी, अभी अभी कर्ज की किस्त नहीं चुका पाई। पायलट और कर्मचारियों को वेतन देने में उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, और यह सब हुआ बस उसी एक रुपए की कमी के कारण। आइए जानते हैं इस एक रुपए के भयावह अर्थशास्त्र के बारे में। दरअसल जेट एयरवेज उपलब्ध सीटों पर प्रति किलोमीटर अपनी बड़ी प्रतिद्वंदी एयरलाइन इंडिगो के मुकाबले एक रुपया ज्यादा खर्च करती है। यह एक रुपया अंतर ईंधन की लागत को छोड़कर अन्य खर्चों पर आधारित है। 2015 के खत्म होते होते जेट को इंडिगो के मुकाबले हर सीट प्रति किलोमीटर महज 50 पैसे ज्यादा कमाई हो रही थी। तब इंडिगो के मालिकाना हक वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन ने जेट को पछाड़ने का प्लान बनाया, तो अपने ऑपरेशन को 2.5 गुना यानी 2.5 गुना तेज कर दिया। उसने अपने टिकट भी सस्ते कर दिए, जिससे उसे 2016 के पहले 9 महीने तक रेवेन्यू में प्रति किलोमीटर 90 पैसे का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तब जेट एक रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टिकट सस्ता कर पाती तो उसे इंडिगो से शायद मात नहीं खानी पड़ती। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि तब वह पहले से ही कर्ज में थी। फिर भी उसने 90 पैसे की जगह हर सीट पर 30 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से नुकसान उठाने का साहसिक फैसला किया। यानी 50 पैसे का हो रहा मुनाफा अब 30 पैसे का अतिरिक्त घाटा मिलाकर उसके रेवेन्यू में हर सीट पर प्रति किलोमीटर कुल 80 पैसे की दर से नुकसान होने लगा। स्पष्ट यह है कि जेट का यह प्रयास घातक साबित हुआ और कंपनी को अपने लागत से कम पर टिकट बेचने पड़े। फिर क्या था, सितंबर 2017 में ईंधन की कीमतें बढ़नी शुरू हुई और पूरे साल बढ़ती रही। इससे पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिल गई, लेकिन जेट तो बर्बाद ही हो गई। अब तेल की कीमतें घट चुकी हैं और जेट सारे विकल्प पर काम कर रही है, लेकिन मेंटेनेंस पर सालाना करीब 7 अरब रुपए बचाने में वह कामयाब हो भी जाए, फिर भी उसे कर्ज के जाल से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मार्च 2021 तक 63 अरब रुपए कर्ज चुकाना है। जेट की हालात यह है कि सितंबर के आखिर तक उसके पास 124 जहाजों का बेड़ा था, जिसमें उसके खुद के महज 16 जहाज थे। आशंका यह है कि कहीं ये 16 जहाज भी न बिक जाए। तो आपने देखा कि महज 1 रुपए की लड़ाई में इंडिगो से कैसे मात खा गई जेट एयरवेज। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।